हेलो दोस्तों, यह है सुजुकी सामुराई ऑल मॉडल बाइक। अब ये जो बाइक है टू स्ट्रोक बाइक है, बट कस्टमर ने 10 दिन पहले बाइक को लिया था और ये बाइक को चला रहा है, तो उसको ये नहीं पता जो टू स्ट्रोक बाइक में हम लोग पेट्रोल के साथ इंजन ऑयल दिया जाता है, तो इसको वो नहीं पता था। तो उन्होंने बाइक को चला लिया है और इसका अंदर जो है साउंड क्रिएट होने लगा है। तो फ्रेंड्स, इस बाइक में साउंड बहुत ही ख़राब है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अगर एक चीज़ ना करें तो ये बाइक का इंजन जो है जल्दी ही ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को इंजन के अंदर इंजन ऑयल दिया जाता है और पेट्रोल के साथ एक इंजन ऑयल भी दिया जाता है। तो इस बाइक में जो एक हम लोगों का टूटी इंजन ऑयल होता है ना, वो यानी कि साइड चैम्बर पर आप लोगों को उस साइड पर देखने को मिलेगा। वहाँ से क्या होगा, गाड़ी जब स्टार्ट होगा इंजन के पास एक पंप दिया गया है, उस पंप की मदद से इंजन ऑयल पिस्टन में जाके लुब्रिकेट करता है। तो टूटी ऑयल अगर ना देने का कारण क्या हुआ, इंजन सूख गया है। पहले आप लोगों को प्रॉब्लम दिखाता हूँ, उसके बाद पूरा डिटेल शेयर कराऊंगा। चलो बाइक को स्टार्ट मारो, आप लोगों को साउंड दिखाता हूँ। मारो स्टार्ट। और यहाँ देखो, तो आप लोगों ने क्या देखा, इस बाइक में व्हाइट स्मोक नहीं आ रहा है और एक्चुअली इंजन का साउंड ख़राब है। तो फ्रेंड्स, ओल्ड मॉडल बाइक में अगर व्हाइट स्मोक ना आए तो समझ लो तो बीमारी है। अगर व्हाइट स्मोक नहीं आएगा तो डेंजर वाली बात है, और व्हाइट स्मोक अगर आएगा तो इंजन आप लोगों का लुब्रिकेट हो रहा है। वो कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को एक चैम्बर देखने को मिल रहा है। यहाँ क्या होता है, पहले के ज़माने में जब बाइक हुआ करता था, RX 100 बाइक हो यानी कि सुजुकी सामुराई बाइक हो, इसमें हम लोगों को साइड वाइल साइड पैनल खोलने के बाद यहाँ वाइल देने को मिलता था। यहाँ वाइल क्यों दिया जाता था मैं आपको बताता हूँ। ये जो वाइल का डब्बा है, इसमें हम लोगों का गियर जो है यानी कि टूटी वाइल इसके अंदर हम लोग पहले भरते थे, और यहाँ से हम लोगों का जो पाइप है, पाइप जाएगा इंजन के अंदर। इंजन में हम लोगों का एक वाइल फॉर्म दिया गया है, उसी माध्यम से क्या होता है, उस पर चलिए। ये वाला जो है, ये वाला पाइप आया है इनपुट। अब यहाँ से एक पाइप लगा, पंप लगा हुआ है, ये चैम्बर खोलने में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ से जो ये वाला पाइप जो है, इसकी माध्यम से हम लोगों का इंजन ऑयल जब स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ से यार खींचेगा। तो यार का साथ यानी कि जो गाड़ी जब स्टार्ट होगा तो यहाँ से हम लोगों का ऑयल जाएगा। ऑयल जाने के बाद पिस्टन के अंदर जाकर पिस्टन को लुब्रिकेट करेगा टू स्ट्रोक इंजन में। तो हर कोई बाइक में दिया जाता है यानी कि साइड इंजन ऑयल, जो टूटी ऑयल होता है। कुछ कुछ बाइक का नाम लेता हूँ, RX 100 आप लोगों को बोला, RX Z बोला, यानी कि यामा का कुछ टू स्ट्रोक बाइक में और सुजुकी का कुछ टू स्ट्रोक बाइक में। तो ये जो है सुजुकी सामुराई है, MAX 100, ये सब बाइक में ये सब सिस्टम किया गया है। बजाज की स्कूटर जो था, MAT था या राजदूत था, उसमें हम लोग 1 लीटर पेट्रोल के साथ 25 ml इंजन ऑयल देना पड़ता था, ताकि हम लोग का इंजन का जो पिस्टन है वो लुब्रिकेट हो। क्यों, इसमें हम लोग का दो पार्ट में हिस्सा किया गया है टू स्ट्रोक इंजन में, क्योंकि हम लोग का जो ब्लॉक किट का जो सिस्टम है और यानी कि क्रैंक का जो सिस्टम है एक अलग पार्ट है, और गियर बॉक्स का जो पार्ट है ये अलग पार्ट है। तो गियर बॉक्स को, क्लच प्लेट को, ये सब लुब्रिकेट इंजन ऑयल करते हैं, उसका गियर अलग होता है, और यानी कि पिस्टन से लेकर यानी क्रैंक को तक वो कौन सा लुब्रिकेट करता है यानी कि टूटी इंजन ऑयल। तो इस बाइक में क्या हुआ है, पेट्रोल खाली देकर बाइक को चला लिया है तो सूख गया है गाइस। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इंजन को अगर सही रखने से, साउंड अगर हम लोग सही करें तो हम लोग को इंजन ऑयल खिलाना पड़ेगा। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। यह है हम लोगों का एक पाइप, तो यहाँ हम लोग पाइप के छेद के अंदर यहाँ हम लोग भरेंगे और बाइक को स्टार्ट करेंगे, और थोड़ा जो इंजन ऑयल मैंने लिया यहाँ से खिलाएंगे। जब तक हम लोग का व्हाइट स्मोक नहीं आ जाता तब तक हम लोग खिलाएंगे, क्योंकि इंजन को लुब्रिकेट करना है। चलो भाई साहब, स्टार्ट मारो बाइक को। बस
पापा इसको ड्राइवर दे दो। तो फ्रेंड्स अभी जो है बाइक का ट्यूनिंग भी आ गया है और बाइक में जो साउंड था बहुत ही कम गया है। देखो स्मोक जो है आने लगा है। तो चलो बाइक को बंद करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो बाइक आपने देखा ये है टू स्ट्रोक बाइक, ऑल मॉडल बाइक, यानी कि 1990 साल के आसपास में ये सब गाड़ी हुआ था, 95 के आसपास में ये सब गाड़ी हुआ था। तो ये सब जो सिस्टम है ओल्ड मॉडल सिस्टम है और ये सब गाड़ियों को कंपनी अभी बंद कर दिया है। क्यों कुछ आप लोगों को डिटेल दे देता हूँ। ये सब जो बाइक है ना इसमें हम लोग का पोल्यूशन ज़्यादा होता है और पोल्यूशन का कारण क्या होता है इंसान के ऊपर हानिकारक होता है, इसीलिए कंपनी ने इसे सीज कर दिया और बात दे दिया है। तो ये सब कुछ कुछ इलाका में कुछ कुछ क्षेत्र में ये सब गाड़ी है, ये सब बाइक को चलाना भी सही नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को ये बताया। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग बाइक मैकेनिक है तो आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है जो टू स्ट्रोक बाइक किस तरह से वर्क करता है। तो टू स्ट्रोक बाइक का जो सिस्टम है मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, टू स्ट्रोक का जो सिस्टम है वही मैंने आपको बताया और इस बाइक को यानी थोड़ा सा हमने ठीक किया और वीडियो के जरिए से आप लोगों को दिखाया कि साइलेंसर से व्हाइट स्मोक आएगा तो ही इंजन हम लोग का बेहतर परफॉर्मेंस देगा और नहीं आएगा तो बाइक में पिकअप नहीं मिलेगा, इंजन ओवरहीट होने लगेगा, बाइक का पिस्टन जो है वो सीज हो जाएगा। तो ये सब बाइक में होता था। तो अभी के ज़माने में इस बाइक का ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी काफ़ी सारे जो कंपनी है नया नया बाइक लॉन्च किया है। इसके बाद आया था BS3 से आया था BS4 से लेकर आया था BS6। तो काफ़ी सारे अभी सब बाइक जितना भी बाइक चालू हुआ है ये सब बाइक में परिवर्तन हुआ है, पोल्यूशन जो है पोल्यूशन हम लोगों का एकदम मुक्त हो गया है। तो टू स्ट्रोक बाइक को बंद करने का यही रीज़न है, यानी कि व्हाइट स्मोक जो है साइलेंसर से हम लोगों को दिखाई दे रहा है और व्हाइट स्मोक जो पिस्टन में लुब्रिकेट कर रहा था वही जलकर पेट्रोल का साथ जलकर यानी कि एग्जॉस्ट से निकलता था और उससे इंसान के ऊपर काफ़ी क्षति हो रहा था, इसीलिए इसको सरकार ने इसको बंद कर दिया है। और BS4, BS3, BS6 ये सब बाइक लॉन्च हुआ है तो भी अभी जितना भी बाइक है FI इंजन है उसमें पोल्यूशन आप लोगों को कोई भी नहीं देखने को मिलेगा, या ब्लैक स्मोक हो या व्हाइट स्मोक हो कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी के ज़माने में इस बाइक का कोई भी ज़रूरत नहीं है और कोई भी यानी कि इसे चला नहीं सकता क्योंकि ये जो बाइक है इसमें इंसान को हानिकारक होता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है, अगर आप लोग गलती से भी इस बाइक को आप लोग चला रहे हैं तो चलाइए मत क्योंकि ये जो बाइक है इंसान के ऊपर हानिकारक होता है। कवाड़ में आप लोग तोड़ फोड़ के बेच दीजिए लेकिन इस बाइक को चलाना सही नहीं होगा क्योंकि इंसान जो होता है खर्चा करके इंजन को ठीक कर देगा और पेट्रोल के साथ इंजन ऑयल नहीं देगा तो इंजन क्या होगा, इंजन गई बस पानी में चल जाएगा जैसे कि इस बाइक में हुआ था। तो ये सब गौर करना भी ठीक नहीं है और ये गाड़ी को चलाना भी ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस इतना सा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इंतजार किए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।